हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने दावा किया है कि मायावती ने बिहार से राज्यसभा भेजे जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पार्टी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा सत्ता में है तब तक वे संसद नहीं जाना चाहती। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार से 6 सीटों सहित कुल 58 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की है। राज्यसभा के लिए चुनाव 23 मार्च को कराए जाएंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जैसे ही राज्यसभा सीटों के चुनावों की अधिसूचना जारी हुई मैंने मायावती को फोन किया और कहा कि हम अपने कोटे से आपको राज्यसभा भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मायावती ने इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद दिया लेकिन कहा कि जब तक भाजपा सरकार में है वे संसद नहीं जाएंगी। संत रविदास जयंती के मौके पर आयोजित एक समारोह में तेजस्वी ने मायावती को ऑफर दिए जाने के अलावा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चिराग आरक्षण की समीक्षा की बात कहते हैं लेकिन वो खुद आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ते हैं, यह कहां तक सही है। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में गरीबों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे थे।